तो एटम न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले जो मॉडल आया था एटम का, वो आया था थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में ये माना जाता था कि प्लस एंड माइनस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि गलत मॉडल था। और उसको किसने सही किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल से किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर, और क्या किया था उसने, न्यूक्लियस गोल्ड न्यूक्लियस लिया, अल्फा पार्टिकल्स की अल्फा पार्टिकल्स ने बम्बार्डमेंट किया, कुछ अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलाइड होके वापस चले गए 180, क्योंकि इसमें कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट था। कुछ जो थोड़े ऊपर थे उनको रिपल्शन मिली, वो ग्रेटर देन 90 पे चले गए, कुछ जिनको कम रिपल्शन मिली वो लेस देन 90 पे चले गए, और कुछ तो जीरो पे ही चले गए जो बहुत ही दूर थे, जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, जो इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उनको रिपल्शन ही नहीं मिली, वो सीधे निकल गए। तो एक्चुअल में बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे निकले थे, बहुत, क्योंकि न्यूक्लियस होता कितना छोटा होता है, तो बहुत कम पार्टिकल ऐसे रिपल्शन फील करते थे। और 180 होने का मतलब कि अंदर कुछ स्ट्रांग चीज है जो कि न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या है? गीगर्स मार्ज़न एक्सपेरिमेंट। आपके जो सीबीएसई के अंदर आता है उसमें रदरफोर्ड की जगह वो गीगर्स मार्ज़न एक्सपेरिमेंट लिखता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमने ये टॉपिक किया नहीं, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक, तो इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो उसने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बताया। उसने ये बताया कि मान लो ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें कितना चार्ज है? जेड ही चार्ज है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज है 2e। तो अल्फा पार्टिकल जब आता है, जो हेड ऑन कोलाइड करता है, वो इसके पास आता है विद सम वेलोसिटी ऑफ वी, लेकिन इसको हेड ऑन कोलाइड कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और थोड़ा सा दूर से ही वो रिपेल होकर चला जाता है इसको बिना टच किए। तो कितनी दूरी से चला जाता है? आर नॉट। इस आर नॉट को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आर नॉट इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कितनी दूरी से वो चला गया अल्फा पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? जब कोई अल्फा पार्टिकल आता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब ये यहां पर आता है, यहां रुकता है, तो काइनेटिक खत्म हो जाती है, और इन दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या डेवलप हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो Q1 Q2 में एक चार्ज 2e, एक चार्ज ZE, और एक चार्ज, तो एक डिस्टेंस कितना इनके बीच में? आर नॉट। तो हम ये बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आर नॉट एक तरफ, हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ, तो आपके पास ये क्या आ गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को ई भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर, या ई का मतलब एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि किसमें गिवन होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से इसे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाएगा? जूल में। चलो ये तो तरीका बताया है, पर ये फॉर्मूला क्लियर है कैसे? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां तक क्लियर है?